आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में एक बार स्वागत है। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमने ऊतक से लिया है और ऊतक से कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम के लिए भी काम आएंगे और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काम आएंगे। क्लास 9th के बच्चों को तो पेपर के लिए काम आ सकते हैं और बाकी अन्य सबके लिए ये कंपटीशन में काम आ सकता है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, लाइक कर लें पहले से ही, क्योंकि लेक्चर आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो लेक्चर आपको अवश्य पसंद आएगा, इसलिए लाइक सब्सक्राइब प्लीज। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य, वह कौन सा ऊतक है जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की यानी डिवीजन की कैपेसिटी होती है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दृढ़ ऊतक, इसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, संधि मिलाकर के लिख दिया इसलिए दृढ़ ऊतक हो गया। ये दृढ़ ऊतक या दृढ़ ऊतक एक ही मतलब है। स्थूल कोण ऊतक, जटिल ऊतक, विभाज्य ऊतक। ऊतक कहने का तात्पर्य, आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है, विभाजन की क्षमता पूछा है तो विभज्योतक मिलता जुलता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा विभज्योतक उतक। क्या होगा इसमें से चौथा विकल्प, डी वाला विकल्प विभज्योतक उतक सही है। आइए, विभज्योतक उतक नाम से ही स्पष्ट है कि वह उतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाएं पतली होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं, ये विभाजित होकर के नए ऊतकों का निर्माण करती हैं। इसके फलस्वरूप पौधे की चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे तना हो चाहे फूल हो चाहे फल हो, इनमें वृद्धि होती है। तो ये ऊतक जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, जड़ के शीर्ष भाग पे, तने के शीर्ष भाग पे, फूलों या पत्तियों के शीर्ष भाग पे, जहाँ पे विभाजित होकर के पौधे के उन भागों में जिनमें विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, उन भागों पे ये विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, विभाजित होने वाले ऊतक विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं और इन्हीं ऊतकों के कारण पौधे की चाहे लंबाई हो, चाहे तने में लंबाई हो, चाहे जड़ की लंबाई हो, चाहे पत्तियों की लंबाई हो, चाहे फूलों की लंबाई हो, चाहे एधा की लंबाई हो, इनमें इसी विभज्योतक ऊतक के कारण ही वृद्धि होती है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ट्रैकिड वाहिनियां, जाइलम रेसे तथा पेरेन काइमा। ध्यान से देखें, ट्रैकिड वाहिनियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग देती हैं वाहन करने का, ले जाने का। जाइलम रेसे जो जाइलम के फाइबर्स होते हैं धागे जैसे, तथा पेरेन काइमा ऊतक किसमें होता है? तो यहाँ विकल्प है फ्लोएम में, जाइलम में, एपिथीलियम में, विभज्योतक में। इन चारों विकल्पों में ये ट्रैकिड वाहिनियाँ, जाइलम रेसे और पेरेन काइमा ऊतक भी विभज्योतक ऊतक में होता है। किसमें होता है? विभज्योतक ऊतक। इसका भी विकल्प डी सही है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं, और पत्तियां क्या होती हैं? विभाजित होकर के बढ़ती हैं, लंबी होती हैं। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? विभज्योतक ऊतक। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलनी कोशिकाएं तथा सखी कोशिकाएं
पाई जाती हैं। यहां पे प्रश्न पे ध्यान दे, चलनी कोशिकाएं और सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। विकल्प आपके सामने है जाइलम में, ऐधा में, फ्लोयम में और वल्कुट में। तो आपको हम बता दें, ये चलनी जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी उन भागों में पाई जाती हैं, आप कह सकते हैं पत्तियों में पाई जाती हैं, जिन हरे भागों में जिनमें भोजन का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य, ये चलनी नलिकाएं तथा सखी कोशिकाएं फ्लोयम में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? फ्लोयम में। तो इसमें का तीसरा सी विकल्प सही है, फ्लोयम। अब हम विस्तार से बताएंगे, आपको पता चल गया चलनी कोशिकाएं तथा सखी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोयम में। सी वाला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी, फ्लोयम। ये जो चलनी कोशिकाएं हैं, चलनी का नाम से ही आप पता हो, जैसा कि नाम चलनी है आपको पता चल गया कि चलनी का काम क्या होता है, छानने का। क्या काम होता है? छानने का। तो ये जो फ्लोयम होता है, इसमें जो चलनी नलिकाएं होती हैं, ये बने हुए भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, इससे छनक करके दूसरे भागों में पहुंचते हैं। ये जो चलनी नलिकाएं हैं फ्लोयम में होती हैं, इन चलनी नलिकाओं से बना हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है वो छन जाता है दूसरे भागों में जाने के लिए। और ये सखी कोशिकाएं, जिसे कंपेनियन सेल कहते हैं, सहयोगी, ये जो ये भोज्य पदार्थ छनता है ना, ये सखी कोशिकाएं छानने में उसका मदद करती हैं, और छान करके एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, यानी एक ऊतक से दूसरे ऊतकों में भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। ये आपके फ्लोयम, आपको पता है फ्लोयम, जाइलम जड़ में, फ्लोयम ऊपर वाले भाग। फ्लोयम का काम होता है पत्तियों आदि में बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधे के सबसे निचले भागों तक ले जाना। तो ये निचले भागों तक ले जाने में जो पत्तियों में भोजन बनता है उसमें मदद करती हैं चलनी कोशिकाएं और सखी कोशिकाएं। चलनी कोशिकाएं बने हुए भोज्य पदार्थ को छानती हैं दूसरे भागों में पहुंचने, और सखी कोशिकाएं इसमें इसका मदद करके एक ऊतक से दूसरे ऊतक, मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो आपको समझ में आ गया, चलनी और सखी कोशिकाएं फ्लोयम में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? फ्लोयम में। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ये आपके बॉडी से रिलेटेड है, आपके जानकारी के रिलेटेड है, और ये आपके टॉपिक से भी संबंधित है, तो बहुत काम का है ये प्रश्न। रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य है, आपको पता है रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, जिसे हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये रुधिर कणिकाएं क्या कार्य करती हैं हमारे शरीर में? जाहिर सी बात है, हमारे रुधिर में है, ब्लड में है, तो रुधिर से ही, रक्त से ही संबंधित कार्य करती होंगी। आइए विकल्प पर ध्यान दीजिए, पाचन, पाचन का कोई मतलब ही नहीं है ब्लड से हमारे, जनन, जनन का कोई मतलब ही नहीं है हमारे ब्लड से, लाल रुधिर कणिकाओं से, उपापचय, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस इससे होनी नहीं है। अब आखिरी विकल्प पर आप ध्यान दें, रुधिर स्पंदन में सहायक होती हैं। तो हमारा ये रुधिर प्लेटलेट्स है, तो ये मिलता जुलता विकल्प है और यही विकल्प सही भी है। कभी कभी क्या होता है, जो विकल्प आपको सॉलिड पता नहीं होता है, तो आप चारों विकल्पों पर ध्यान से, एक एक विकल्प को ध्यान से देखें और उस विकल्प से प्रश्न को जोड़ें, जिससे वो जुड़ पाए तो समझ लेना वही विकल्प सही है। यहाँ हमने तीन विकल्पों को जोड़ने का प्रयास किया, नहीं जुड़ा, लेकिन चौथा रुधिर स्कंदन, यहाँ रुधिर शब्द है जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से रुधिर स्कंदन में, रुधिर प्लेटलेट्स हमारा रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। यहाँ का आखिरी विकल्प डी सही है। अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। जो हमारी अस्थि कोशिकाएं होती हैं, बोन जो सेल होती हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ चार विकल्प दिया है, कांड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट में ये रुधिर कोशिकाएं अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं हमारी, कांड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कंड्रा और फाइब्रिन। तो ये हमारी ऑस्टियोब्लास्ट है, जो ऑस्टियोब्लास्ट में हमारी अस्थि कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं? ये है आपका अस्थि कोशिकाएं। तो आपने पांच प्रश्नों को देखा। पहला प्रश्न, किस ऊतक कोशिकाओं में क्षमता होती है? ये हो गया आपका विभज्य ऊतक, ट्रैकिड वाहिनिया, जाइलम, पैरेन्काइमा होता है विभज्य ऊतक में, चलनी कोशिकाएं और सखी कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम में, रुधिर प्लेटलेट का कार्य होता है रुधिर स्कंदन में सहायक, और लास्ट का आंसर है ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस तरह से हमने आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण टीशूज, ऊतक से संबंधित ये कुछ प्रश्न हमने बताए। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता तो कम से कम दो या तीन बार आप इसे ध्यान से एक बार रिवाइज करके देख लेंगे, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको विकल्प के साथ साथ वो क्यों होता है ये भी डिस्क्रिप्शन में व्याख्या करके बताया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।